अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फ्राइडे अप्रैल 9, 2021। आई एम आस्किंग दिस सी आई वेलकम यू ऑल इन द फिजिक्स क्लास विद अ न्यू लेसन। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज 4.3, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड that how a force can be resolved into its perpendicular components, but in today's lecture we will discuss it in more details. With in continuation with it, we have to study another topic that comes in within this, that is the determination of a force from its perpendicular component. So last time हमने इस क्लास के अंदर क्या देखा था कि हम एक फोर्स को कैसे उसके कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि हमारे पास अगर एक फोर्स के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन कंपोनेंट्स के होते हुए हम अगर उन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए कैसे वापस वही फोर्स डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर द टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल I will explain and go through the derivation and explanation of the resolution of force. After that, we will discuss our topic for today, that is the determination of a force from its perpendicular components. Okay. So, what was resolution of forces? So, resolution of forces mean splitting up of a force into its mutually perpendicular components. Okay. Just like we studied in the topic 4.2, that was addition of forces, या addition of vector. So हमने क्या कहा कि we can add forces together by using head to tail rule, और फिर हमने क्या कहा कि resultant force जो होगी उनकी head to tail rule से जो resultant force, let's say this F1, this F2, ये हमारे पास F है, that is F1 plus F2. तो ये जो resultant force बनती है, ये किसके equals है? इसका जो इफेक्ट है वो इक्वल है इन सब का कलेक्टिव जो इफेक्ट है उसकी इक्वल है, इन सब के कलेक्टिव इफेक्ट की इक्वल इस सिंगल फोर्स के होगा, दैट सिंगल फोर्स के इफेक्ट होगा, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो अब क्वेश्चन ये होता है, ये हमने ये कहा कि डिफरेंट फोर्सेस के कंपोनेंट्स को हम ऐड करें यूजिंग हेल्प ऑफ रूल तो हमें रिजल्टेंट ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा ये टॉपिक ये है कि हमने हमारे पास एक फोर्स गिवन है, कंपोनेंट्स नहीं गिवन, लेट्स से ये फोर्स गिवन है किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, हमें ये क्वेश्चन कहा जाता है कि हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है कि किन-किन कंपोनेंट्स से मिलकर ये बनी है। गॉट इट? सो यहां पे हम फोर्स के सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स को देखेंगे, बिकॉज कि हम टू डायमेंशनल प्लेन को पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई प्लेन इसको हम बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं, सो दैट इज योर एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, सो दैट इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इस फोर्स का वेक्टर, लेट्स से हमारे पास ये फोर्स का वेक्टर है, इसको इस प्लेन के अंदर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद हमने इसके दो कंपोनेंट फाइंड करते हैं, एक कंपोनेंट इसका लंब एक्स एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट इसका लंब वाई एक्सिस। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका रूल ये होता है, लेट्स से इसको एक प्रैक्टिकली अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसको शैडोइंग के इफेक्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये एक वॉल है और ये आपके पास क्या है, फ्लोर। लेट्स कंसीडर इट इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस मार्कर को, लेट्स से ये मेरे पास एक फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं प्लेस करता हूं यहां पे, ठीक, और उसके बाद क्या करता हूं, मैं इस तरफ से लाइट, किसी लाइट सोर्स से लाइट गिराता हूं, ठीक है, तो इसका शैडो जो इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका जो शैडो इस जगह पे बनेगा, ठीक है, वहां पॉइंट उस एरिया को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं इस लाइन के ऊपर जो शेड होता है, ऑब्वियसली जो स्टार्ट होता है यहां से जो एंड हो रहा है एक पॉइंट होगा वहां तक होगा। और इसी तरह अगर मैं इसको यहां पे ही प्लेस करते हुए इस तरह से लाइट सोर्स से रोशनी डालूंगा तो जो इसका
हमारे पास शेडो बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे पास हमें क्या दे देगा इसका उपाय, ठीक है। तो उसका रूल ये तो हम प्रैक्टिकली देख रहे थे कि लाइट सोर्स के लिए हम शेडो के इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। इसका अदर वे व्हाट इज दिस अदर वे, अगर मैथमेटिकली ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहे, इसके कंपोनेंट्स को फाइंड करना चाहे, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट्स से कि हमारे पास ये फोर्स है, इसको आपने प्लेस कर देना है किसके अंदर, किसके अंदर प्लेस किया आपने इसे, कार्टेशियन प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, जो कि टू डायमेंशनल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है और दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे प्लेस कर दिया लेट्स से कि ठीक है फोर। अब हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, रिमेंबर दैट कि जब हम टू डायमेंशन में तो इसके दो ही कंपोनेंट होंगे, अगर आप किसी थर्ड डायमेंशन में चले जाते हैं तो थर्ड डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स से ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये आपके पास कौन सी डायरेक्शन है, वाई एक्सिस, तो ये थंब की जो डायरेक्शन होगी, ये मार्कर अगर हम लगा दो इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जिस थर्ड डायरेक्शन एक डायरेक्शन आपने क्या देखी, ये अदर विद दिस एंड द अदर वन इज इनवर्ट एंड आउटवर्ड इनटू द बोर्ड, ठीक। ये थ्री डायमेंशन में जब आप उसको लेके जाओगे तो उस वक्त आपको तीन कंपोनेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, आपको उस बैक साइड से लाइट आके ये जो आपका ये वाला एक्सिस होगा इसके ऊपर उसके शेडो देखना पड़ेगा, तो फिर उसके कितने कंपोनेंट होंगे, थ्री कंपोनेंट्स, ठीक। लेकिन हम सिर्फ यहां पे इसको स्टडी कर रहे हैं टू डायमेंशन पर एक्स और वाई। सो प्रैक्टिकली तो हमने कहा शेडो से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली हम इसको कैसे स्टडी करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है जो हमने इस पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रा करनी है, जो कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आके कट करेगी इसको, ठीक है। परपेंडिकुलर कहते हैं एक ऐसी लाइन जो किसी बेस के साथ क्या बनाए 90 डिग्री का एंगल, राइट। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, ठीक। सो अब जिस पॉइंट के ऊपर इसने कट किया इसको हमने डिफाइन कर दिया, हमने कहा कि ये जो पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट O था, ये A है, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक। अब हमारे पास कुछ लाइन बन रही है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, x कंपोनेंट, y x अलोंग द x एक्सिस, एंड दिस इज y, इसको हम क्या बोलेंगे, y, इसको y के y कंपोनेंट को बोलेंगे, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ y। अब ये कंपोनेंट्स हमें क्या बताते हैं कि ये फोर्स देखें, एक ये पोजीशन है, इस पे मैंने फॉर एग्जांपल ये मार्कर है या लेट्स से ये डस्टर, ठीक है। तो ये हमने एक पार्ट है मैंने मूव करा दिया, ठीक। ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, x एक्सिस, और ये कौन सी डायरेक्शन है, y एक्सिस। मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, साथ-साथ ये आगे भी मूव कर रहा है, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऐसी फोर्स के दो कंपोनेंट, अगर कोई फोर्स ही ऐसे लग रही है सिर्फ ये, तो उसका कोई x कंपोनेंट होगा नहीं, होगा जीरो होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट यू स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उसका y कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन कोई अगर फोर्स ऐसे मूव कर रही है तो इसका भी इफेक्ट उसमें है, और ये वाला फैक्टर भी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो फिर हमने उसको उसके कंपोनेंट फाइंड करने होते हैं कि वेदर ये जो फोर्स है, देखिए ये वाली फोर्स ऊपर की तरफ है, इसको लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी चीज को मैं मूव कर रहा हूं, तो ये वाली फोर्स जो कि वो लिफ्ट वाली होगी, उठाने वाली, ठीक। और जबकि जो आगे की तरफ फोर्स जा रही होगी उस पर इस डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, ड्रैग, यानी आप उसको मूव करा दो, ठीक है। सो ये इसमें ड्रैग कंपोनेंट है और इसमें लिफ्ट कंपोनेंट। अब हमने ये जो फोर्स जा रही है इसको हम ये देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, तो उसके लिए हमने इसका y कंपोनेंट देखना होगा, ठीक। और फिर हम ये देखेंगे कि ये फोर्स इधर कितनी फोर्स लगा रही है, यानी इधर जो कंपोनेंट है वो कितना बड़ा है, ठीक है। सो इससे हम ये स्टडी करना चाहेंगे कि ये जो फोर्स है इसका ज्यादा इफेक्ट इसी तरफ है या इसी तरफ, यदि ये ड्रैग है या लिफ्ट है, तो इसलिए हमें इस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा, ठीक। जबकि आज का जो टॉपिक है उसमें हमें कंपोनेंट्स की जरूरत है, हमें फोर्स का बिल्कुल नहीं पता, हमें ये पता होगा, जस्ट ये पता होगा कि एक फोर्स है जो उसका एक कंपोनेंट है जो कि इधर ऐसे है, और उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है जी, वो ऐसे है, हमें सिर्फ ये दो कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, तो फिर रिजल्टेंट बनाएंगे, तो वो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्चुअल फोर्स आ जाएगी। फिर हमें ये पता चल जाएगा कि फोर्स
ये दीजिएगा एक ये दीजिएगा, हमें ये कहा कि ये किसी एक बड़ी फोर्स के दो टुकड़े हैं, दो पीसेस हैं। तो आप ये बताएं वो बड़ी फोर्स क्या होगी, हम क्या करेंगे इसको सिंपली ऐड कर देंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा यूजिंग हेड टू टेल रूल, वो हमारा पास क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या कहता है कि हम एक फोर्स को क्या करते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या करते हैं स्प्लिट आउट करते हैं। ठीक, सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमें क्या स्टडी करते हैं, हमारे पास एक फोर्स एफ है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, यानी हमें ये स्टडी करना है कि एफ एक्स एफ का कितना पार्ट है और जो एफ वाई है इसमें एफ का कितना हिस्सा है। ठीक, सो इस चीज को यहां पर कुछ फैक्टर आएगा ना, ऑब्वियसली कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा तो हमें बताएगा कि एक्स कंपोनेंट है और इसके साथ यहां पर कुछ चीज मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास यहां पे बताएगा कि वाई कंपोनेंट है। उसके लिए हम यहां पे क्या डिफाइन करते हैं एंगल थीटा। ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहां पड़ा हुआ है तो उसके साथ एंगल 0, ठीक है, इसके साथ 90 डिग्री बिकॉज़ ये और ये 90 डिग्री बनता है राइट एंगल। ठीक है, तो जब भी इस चीज को आप किसी एक पोजीशन के ऊपर इंक्लाइन कर लोगे यानी रैंक पोजीशन में लेके जाओगे तो उसका कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, दैट इज द एंगल थीटा। ठीक है, अब हम इस एंगल को यूज करते हुए ये दो कंपोनेंट्स, तो अगर आप मैथमेटिक्स की तरह पढ़ी हो ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि इस शेप को हम क्या बोलते हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल के लिए जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है 90 डिग्री वाली उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। किसी भी ट्राइंगल के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, व्हाई इट इज परपेंडिकुलर, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इट्स बेस। ठीक है, जो बेस को इक्वली कट करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, और ये हमारे पास क्या है बेस है, बुनियाद होती है किसी भी चीज, सो दैट इज बेस, और इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास कुछ रेशियोज होती है ट्रायंगल की फॉर्म में, हमने क्या कहा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है साइन, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दैट इज पंडित बाय पंडित हरे हरे भगवान। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है जो हमें ये बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, बी फॉर परपेंडिकुलर, डी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। सो दिस मींस कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, सो साइन थीटा बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम मैथ्स के अंदर समझी डिटेल से पढ़ेंगे, वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इन रेशियोज को यूज करना है, दिस इज परपेंडिकुलर, इन रेशियो को यूज करते हुए हमने ये फाइंड करना है कि जो एफ एक्स है ये एफ का कितना है, कितना पार्ट ऑफ एफ है। ठीक, उसके लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एफ एक्स का रिलेशन है एफ के साथ। ठीक है, एफ एक्स का एफ के साथ क्या रिलेशन है, एफ एक्स इज बेस, देखो ये बेस वाली लाइन है। ठीक है, so this means fx over f इसके साथ रिलेशन, ये क्या है भाई बात हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, so base over hypotenuse, base over hypotenuse एंगल कौन सा बनता है थीटा, cos थीटा, so that is cos थीटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि base divided by hypotenuse। ठीक है, so अगर मैं यहाँ से fx में डिफाइन करता हूँ fx इसके को ले लेगा f इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा f into cos of theta। सिमिलरली अगर हम f y वाले कंपोनेंट वाइज का रिलेशन देखें ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि f y और f का कितना है, तो देयरफॉर कितना पार्ट है उसका f का f y के अंदर, तो दैट इज f y, सॉरी f y का परपेंडिकुलर ओवर दिस इज हाइपोटेन्यूज, f y का f के साथ रिलेशन है, f y ओवर f that is perpendicular over hypotenuse, so p over h that is sin of theta, therefore agar humne f y find karna, basically resolution of force mein humne uske perpendicular components find karne that is fx and fy humne find karna, theek hai, so ye derivation f y is equal to f perpendicular
sin theta. ठीक है, तो अगर हमारे पास हमें ये एंगल पता हो, फॉर एग्जांपल ये मान लें ये फोर्स, लेट्स से फोर्स का वेक्टर है, मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं कि इसका रिलैक्स कंपोनेंट है, ये किसी एक पोजीशन के ऊपर पड़ा हो, तो सबसे पहले मैं इसका क्या फाइंड करूंगा, डी प्रोटेक्टर आप यूज किए होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसको यूज करके मैं एंगल फाइंड करूंगा, इसको जीरो लाइन रखूंगा प्रोटेक्टर पे और फिर इस लाइन को देखूंगा कि वो किस एंगल के ऊपर बन रही है, तो एंगल फाइंड करूंगा उस एंगल को यूज करूंगा, मुझे पता होगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि स्केलर को वेक्टर है, स्केलर का रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड, वेक्टर का रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है, इसको तो मैग्नीट्यूड मुझे पता होगा तो उसको यूज करते हुए sin थीटा उसको sin थीटा से मल्टीप्लाई करके 1% से fy कंपोनेंट आ जाएगा किसी भी फोर्स का, जैसा कि एग्जांपल 2.4 4.2 थी जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दी है, होपफुली आप लोग ये चीज समझ आई होगी। अब हम आज के टॉपिक के कुछ चलते हैं, पहले हमने क्या कहा कि इस फोर्स को हमने इस कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, अब हमें हमारे पास टास्क ये है कि हमें ये कंपोनेंट्स पता है, हमने ये फोर्स फाइंड करनी है, तो आपने अब वेक्टर की डेफिनेशन को लाभ भी याद रखना है कि ये फोर्स एक वेक्टर है। ठीक है, तो आपने उसकी डेफिनेशन को याद रखना है, डेफिनेशन क्या कहती है कि अ वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। Got it? So moving on, the definition of forces के अंदर आता है the next topic का, ये important law question भी है, ये दोनों law question हैं, मैंने आपको last number के अंदर दिए हुए। So next topic है ये determination of a force, determination of a force, page number 89. लेक्चर लेते हुए आपके पास बुक होनी चाहिए, पास डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये जो भी हमने फोर्स के दो कंपोनेंट फाइंड किए एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या बना रहे होते हैं एंगल इनका 90 डिग्री, तो दे आर परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक ये बार और ये फ्लोर आपस में क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, सो जब भी ऐसी पोजीशन होता है ये देखिए आपस में परपेंडिकुलर, ये इसके साथ 90 बना रहा है और ये इसके साथ 90 बना रहा है, देयरफॉर वी कैन से कि ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये उसके कौन से कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर विद फोर्स बट दे आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो हम अब हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करके फोर्स को ट्राई कर लिया, सेम वही डायग्राम है, देखिए वी आर गिवन विद एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हमें पता है, हमें वाई कंपोनेंट भी पता है, हम उसको क्या करेंगे दोनों को हम ऐड करें तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। हमने क्या कहा था डेफिनेट एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर टॉपिक 4.2 कि जब भी हम फोर्सेस को ऐड करेंगे तो उनका जो टोटल इफेक्ट होता है वो इक्वल होगा इस रिजल्टेंट अकेले के इफेक्ट के, सो एफ एक्स के इक्वल होगा सेवन एफ एक्स प्लस एफ वन। ठीक है, हेड टू टेल रूल से करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल्स हमारे पास क्या होती है रिजल्टेंट फोर्स जो है ये वाली ओ ए बी, हम बल्कि इसने यहाँ पे यूज किया होगा रिप्रेजेंटेशन ओ आर एंड P। ठीक है, अब कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, ए बी सी यूज कर सकते हैं, हुक भी यूज किया, हमें कोशिश करें कि हम ये सॉल्व करें। सो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, गॉट इट, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स को पढ़ा हो अच्छी तरह, इसके अंदर एक फार्मूला ये होता है कि ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है ये परपेंडिकुलर होती है बेस होती है, फार्मूला ये है जिसको बोलते हैं हम पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपके पास
थ्योरम, ठीक है, वो कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इसके इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये सिर्फ एक फार्मूला है। तो अगर इस चीज को हम कंपेयर करें अपने इसके साथ तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, एस, ठीक है। सो देयरफॉर इस फार्मूले को हम अपने इस डायग्राम के लिए इसमें करेंगे, सो एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, एफ वाई का स्क्वायर। सो देयरफॉर एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्वेरी नंबर टू, रिमेंबर दैट हमने क्या फाइंड करना है, हमें कंपोनेंट्स गिवन है, हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स क्या है, मैट्रिक्स क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है हमने इस फोर्स को हमें एफ स्क्वायर की फॉर्म में मिली हुई है, इसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। डायरेक्शन क्या होता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल जो थीटा होता है ये आपको बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। सो देयरफॉर इसका मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका रूल ये है कि अगर मैं एफ फाइंड करना चाहता हूं, क्या फाइंड करना चाहता हूं, एफ क्या करूं, स्क्वायर रूट ले लूंगा बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, f is equals to fx square plus fy square whole square root, इसलिए क्वेश्चन नंबर a, ये इक्वेशन यूज की जाती है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। अगर आपको एक फोर्स f, फोर्स के दो कंपोनेंट गिवन हो, x कंपोनेंट भी गिवन हो और y कंपोनेंट, उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो, लेट्स से आपको कहा जाए कि fx इज कोई फोर्स है, उसका जो x कंपोनेंट है वो 10 न्यूटन है, न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स, और उसका y कंपोनेंट है वो है 20 न्यूटन। तो आपको ये कहा जाए कि आप जो रिजल्टेंट सिस्टम का बनेगा, ठीक है, उसको आप क्या फाइंड करोगे, उसका मैग्नीट्यूड। तो आपने फार्मूला ये लिखा है, तो f x 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर लो फिर उनको ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास कोई वैल्यू आएगी इन न्यूटन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स, एक चीज फाइंड कर ली हमने फोर्स डिफाइन करने के लिए, एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। सो दैट इज मैग्नीट्यूड एक कंपोनेंट। अब हमने क्या फाइंड करनी है, सो डायरेक्शन, डायरेक्शन इज किससे फाइंड की जाती है, मैंने आपको बताया था थीटा से, डायरेक्शन का मतलब है थीटा फाइंड करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बैक टू ओवर दिस थ्योरी, राइटिंग में ट्राइंगल, तो मैंने क्या बताया था, पी बी पंडित बाई पंडित, हरे हरे भगवान, साइन कॉस और टेन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं वो हमेशा टेन थीटा से फाइंड करते हैं, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए टेन थीटा का फार्मूला बनाऊं, टेन थीटा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास इस डायग्राम, ठीक है, ये दोनों एक जैसी डायग्राम है, सिर्फ उसके ऊपर वेरिएबल चेंज है, इसके ऊपर वेरिएबल चेंज है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टेन थीटा, क्यों टेन थीटा लिखा है, ये डायरेक्शन की जो आपके पास फार्मूला यूज होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है, दैट इज टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे केस में परपेंडिकुलर क्या है, f y y तो बेस डिवाइडेड बाय बेस क्या है, f x, ठीक। अब हमें फाइंड थीटा करना है, सो थीटा इज इक्वल्स टू, देखो tan यहां पे क्या है, tan थीटा, तो ये रूल है कि जब आप थीटा फाइंड करना हो तो tan को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ जाके ये tan इनवर्स हो जाता है, आपने कैलकुलेटर के अंदर आपने देखा होगा, साइन थीटा को साइन कॉस कोसाइन और टेन और फिर उनका इनवर्स मौजूद होता है, साइन इनवर्स कोसाइन इनवर्स टेन इनवर्स, सो टेन का इनवर्स और ये आ गया मल्टीप्लाई और ये एफ वाई और एक्स, तो आपको एफ वाई एफ एक्स के मैग्नीट्यूड गिवन होंगे, आपने मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करके इनकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, जो आंसर आएगा उसके ऊपर टेन इनवर्स कैलकुलेटर
के ऊपर शिफ्ट 10 दबाएंगे तो 10 प्लस आ जाएगा और वो वैल्यू डालेंगे तो आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा थीटा इन डिग्रीज, ठीक है, तो वैल्यू वाले की डिग्री से, ठीक है। सो इस तरह ये कोई मीन है, तो ये दो फार्मूला यूज करते हुए हम किसी भी फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आज का हमारा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कि हम एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। वो हमने देखा कि हम उसको स्प्लिट करेंगे थ्रू एक्स वाई प्लेन, अगर हम उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर रखें तो उसके शैडो इधर कितना पड़ रहा है, उधर कितना पड़ रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन ग्राफिकली कैसे देखेंगे, हम यहां से उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिस पॉइंट पर आके वो कट करेगा, वो ओरिजिन से यहां तक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और यहां से ऊपर उसकी कट आ जाएगा y कंपोनेंट, ठीक। और वहां से फिर हमने fx को फाइंड किया, फिर fy फाइंड किया। दूसरे टॉपिक में हमने क्या फाइंड किया था, फोर्स को वापस डिटरमाइन करना था, ये कंपोनेंट मिनिमम, ठीक। उसके लिए हमने क्या किया, पैथागोरस थ्योरम का एक उसको हेड टू टेल रूट से ऐड किया और एक रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया f, ठीक। अब हमें ये f फाइंड करना है कि ये बाकी फोर्स है ही नहीं है, तो फोर्स की दो डेफिनेशन है, एक उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए और दूसरा उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो हमें इस फोर्स की अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, उसके लिए हमने क्या किया, हेड टू टेल रूट से पहले ऐड किया, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पैथागोरस थ्योरम में जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर कैंसिल f, मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकलेगा, और अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो tan थीटा fy और fx, tan यहां पे मल्टीप्लाई होता है यहां पे tan इनवर्स हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये थीटा बताएगा कि आपके फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आपका होमवर्क ये है कि पेज नंबर 89 यहां पे जो टॉपिक है 4.3 पेज नंबर के सामने पेज नंबर 89 के ऊपर ये पिंक कलर की मिनी एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है, ठीक है। ये रफ पेज के ऊपर आपको और कोई होमवर्क नहीं है रिटन, ठीक है, आपने जस्ट ये टॉपिक्स को मेमोराइज करना है और उसके बाद आपने ये मिनी एक्सरसाइज जो है डू इट योरसेल्फ, आपने इसको अपने हिसाब से करना है। वैल्यूज आपको गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, ठीक है। आपने लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। sin थीटा cos थीटा tan थीटा फार्मूला आपके सामने पेज नंबर 88 के ऊपर फार्मूला दिया है, इसको यूज करते हुए आप लेंथ sin थीटा को sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू फाइंड करके मुझे आपने इस WhatsApp ग्रुप के अंदर या प्रिंसिपल के मेंबर है उसके आप मुझे भेज दें, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।